हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे जूम टूल और हैंड टूल। जूम टूल और हैंड टूल हमारा यहाँ पर आता है बेसिकली, और हैंड रोटेशन टूल, ये तीन हम देखेंगे। तो जूम टूल क्या होता है पहले देखते हैं। जूम टूल क्या होता है, अगर पेज को हमको जूम करना है, जैसे यहाँ से जूम हो रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे देन क्लिक करोगे तो जूम आउट होगा। रिसाइज टू फिट विंडो पर क्लिक करके ऐसा क्लिक कीजिएगा, बेसिकली यहाँ पर विंडो के हिसाब से चलेगा। यहाँ से बेसिकली हम जूम पर क्लिक करके इमेज को जूम करते हैं। शॉर्टकट की जो होता है, जूम टूल का कंट्रोल प्लस होता है, जूम आउट का कंट्रोल माइनस होता है। और यहाँ से कर दो फिट स्क्रीन, तो स्क्रीन के हिसाब से फिट हो जाएगा, फिल स्क्रीन तो स्क्रीन में फिल हो जाएगा। यहाँ से बेसिकली ये जूम टूल का यूज हो गया। हैंड टूल क्या होता है, जो इस ऑब्जेक्ट को चाहूं, जैसे जो एफ प्रेस करता हूँ तो फुल स्क्रीन मोड पे हमको लेके जाता है। अब इस इमेज को मैं कहीं भी रोटेट कर सकता हूँ हैंड टूल से। यहाँ से हैंड टूल क्लिक करें। हैंड रोटेशन टूल से क्या होगा, जो ये इस हैंड के द्वारा मैं इसको हैंड रोटेशन टूल क्या करेगा, जो इसको मैं चाहूं तो इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ कहीं। अब जैसे ये जहां भी इसको मैं रखू या बेसिकली कंपास के हिसाब से मैं इस इमेज को रोटेट कर सकता हूँ। फिर से हैंड टूल पे आना है, यहाँ से हैंड टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको कहीं भी मैं मूव कर सकता हूँ। अपने कीबोर्ड से जो स्पेस बटन दाबिएगा, अगर मूव टूल पर क्लिक करेगा, कीबोर्ड से स्पेस बटन दाबिएगा तो हैंड टूल से बेसिकली क्या होगा, कहीं भी आप इसको मूव कर सकते हो इस तरह से। तो ये हैंड टूल और जूम टूल हमारा इस तरह से यूज होता है।